हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस तरह से भाव देने से लड़की आपको बहुत जल्दी पसंद करने लगेगी। तो अगर आप उनमें से वो जो लड़की पसंद बनना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि पता है बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो भाव को ना प्रसाद की तरह बांटते हैं, और उनको लगता है कि ज़्यादा भाव देने से उनको ज़्यादा पुण्य मिलेगा, मतलब कि लड़की का प्यार उनको मिलेगा, लड़की उन पर सब कुछ न्योछावर कर देगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान का नेचर होता है कि जब उसे कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिलने लगती है ना, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, फिर चाहे चीज़ की जगह कोई इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जो भाव होते हैं ना, बहुत सोच समझ के आपको देने चाहिए, और ख़ास तौर पे तब जब आपकी लड़की से बातचीत ना हुई हो, ठीक है, या ज़्यादा जान पहचान ना हो, तो उस टाइम पे बहुत सोच समझ कर आपको लड़की को भाव देना है। इतना भी भाव नहीं देना है कि लड़की आपसे बोर हो जाए, और इतना कम भी नहीं देना है कि लड़की आपको समझ ही नहीं पाए कि आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरह से भाव देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ना इसे के बारे में बताऊंगी। हेलो गाइस, अगर आप ब्लॉग व्यू देख रहे हैं तो प्लीज मेरा ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, आप जिस लड़की को अपनी पसंद बनाना चाहते हो ना, ठीक है, आप पहले उसको समझने की कोशिश करो कि उसकी इंटेंशन आपके लिए क्या है, ठीक है, कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। मान लो कि अगर वो लड़की सिर्फ आपको दोस्त समझ कर बैठी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसकी फीलिंग्स आपके लिए सिर्फ दोस्त वाली है, ठीक है, तो आपके ज़्यादा भाव देने से भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको दोस्त मान रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर दाल नहीं गलेगी। तो इसलिए जब आप किसी भी लड़की को भाव दे रहे हो ना, तो आप सबसे पहले तो उसकी इंटेंशन को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो कि वो आपके लिए क्या सोच रही है, ठीक है, क्या वो थोड़ा बहुत आप में इंटरेस्टेड है, क्या वो आपको और लड़कों से थोड़ा सा अलग देखती है, ठीक है। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको किस टाइम पे और कितना भाव उसको देना है, ठीक है। देखो, लड़कियां जो होती है ना, ऐसे ही लड़कों से इंप्रेस होती हैं जिनको पता होता है कि लड़की को कब और कैसे भाव देना है, ठीक है, जिससे लड़की का इंटरेस्ट बना रहे, लड़की का मन ना बोर हो, ठीक है, वो उबे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी इंटेंशन को समझो कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। उसके बाद जो है ना, बात करते हैं कि आपको कैसे भाव देना है या किस तरह से आपको भाव देना है। तो मान लो कि एक लड़की जो है, आप उससे बात कर रहे हो और वो जो है अपने फोन में लगी है या फिर किसी काम में बिजी है, तो ऐसे टाइम पे ना आपको उसको भाव नहीं देना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप उसको भाव दोगे ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप जो है ना फ्री फंड के हो, ठीक है, आप हर किसी को इसी तरह से अपने भाव बांटते रहते हो, आपको वो हल्का समझेगी, ठीक है, हल्के में लेगी। तो इसलिए आपको उस टाइम पे आपको उसको भाव नहीं देना है। अगर वो बिजी है या बात करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है, तो आप थोड़ा सा उस टाइम पे अपने भाव बढ़ा दो कि आप जो है ना ऐसे वैसे नहीं हो, ठीक है, कि उसका मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती आप उसको भाव दे रहे हो, ठीक, ये काम करना है। और दूसरा, अगर ऐसा भी लग रहा है कि अभी लड़की आपकी अटेंशन को, आपके दिए हुए टाइम को समझ रही है, ठीक है, उसे आपका साथ अच्छा लग रहा है, तो उतने ही टाइम तक आप उसको भाव देना है कि जब तक वो आपकी बातों में इंजॉय कर रही है, ठीक है, आपके साथ खुश है। आपको अगर लग रहा है कि वो आप बोर होने लगी है, ठीक है, उसका मन अब किसी और चीज़ का करने का कर रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। उस लड़की को, लड़की से बात करते टाइम आपको उसको ऑब्जर्व भी करना है कि आपके अटेंशन से वो किस किस तरह का रिएक्ट करती है। क्या वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्या थोड़े टाइम के बाद वो बोर होना शुरू हो जाती है, कैसी बातों से वो बोर होती है, कैसे टॉपिक उसको अच्छे नहीं लगते। तो बात करते टाइम ना इस बात पे भी आपको ध्यान देना है कि उसका इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि एक लड़की की पसंद बनने के लिए, ठीक है, आपको कितना भाव देना है और किस टाइम पे आपको उसको भाव देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी सी बात है, बस आपको लड़की को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप इस बात का ध्यान दोगे ना, तो आपके लिए ना किसी भी लड़की की पसंद बनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।